हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट यूनिट जेनेटिक मटेरियल। बीएससी सेकंड ईयर की फर्स्ट यूनिट है जेनेटिक मटेरियल, उसमें हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल अर्थात आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो लक्षणों अर्थात सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाने का कार्य करता है। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि वह पदार्थ कौन है, डीएनए है। हम इसकी डिटेल पढ़ें उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़े बेसिक्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, केंद्रकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड क्या है। एक वैज्ञानिक हुए मिशर नाम के, उन्होंने पश कोशिकाएँ यानी मवाद वाली कोशिकाओं के अंदर उनके केंद्रक को अलग निकाला और उसके केंद्रक से किसी पदार्थ को अलग किया। उस पदार्थ की नेचर देखी गई, वह अम्लीय मिली। अम्लीय होने का तात्पर्य क्या कि वो पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है। और उन्होंने, चूंकि यह पदार्थ केंद्रक से पदार्थ प्राप्त हुआ था, उन्होंने इसे न्यूक्लीन नाम दिया। बाद में अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने उसे दूसरा नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, केंद्रकीय अम्ल। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, केंद्रकीय अम्ल क्या हैं, उसकी डिटेल को हम देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में केंद्रकीय अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल वो पदार्थ हैं जो बहुलक होते हैं। किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, हमें पता है डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षार, पांच कार्बन वाली एक शर्करा और फॉस्फेट, इन तीनों के मिलने से बनी एक संरचना, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस प्रकार जुड़ता चला जाए तो एक बहुलक बनता है। ऐसे ये जो बहुलक है यही न्यूक्लिक अम्ल है। तो हम बेसिक समझ रहे हैं तो हम ये यहाँ पर समझेंगे कि जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पांच कार्बन वाली जो शर्करा है वो भी दो प्रकार की देखने को मिलती है और फॉस्फेट के कोई टाइप नहीं है। तो जो नाइट्रोजन क्षार हैं जो दो प्रकार के, वो कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं पाइरिमिडीन और दूसरे को कहते हैं प्यूरीन। जो पांच कार्बन वाली शर्करा है उसके भी दो प्रकार हैं, एक को कहते हैं राइबोज शर्करा, पांच कार्बन वाली शर्करा है, और एक को कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। हमें ये पता है कि आरएनए के अंदर जो शर्करा मिलती है कौन सी मिलती है? राइबोज शर्करा। डीएनए में कौन सी शर्करा मिलती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। हम आगे अब ये डिटेल देखेंगे कि नाइट्रोजनी बेस जो पाइरिमिडीन है वो कौन कौन से हैं, प्यूरीन हैं वो कौन कौन से हैं, और राइबोज शर्करा की संरचना भी देखेंगे और डीऑक्सीराइबोज की संरचना को भी समझने का प्रयास करेंगे। जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो दो प्रकार के हैं, एक को कहते हैं पाइरिमिडीन और एक को प्यूरीन। पाइरिमिडीन क्षारक तीन प्रकार के हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। प्यूरीन क्षारक हैं वो दो प्रकार के हैं, एडिनिन और ग्वानिन। जो साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्यूरीन में हम देख रहे हैं कि एडिनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आरएनए के अंदर भी चार प्रकार के क्षारक मिलते हैं और डीएनए में भी चार प्रकार के क्षारक मिलते हैं। आरएनए में मिलने वाले जो क्षारक हैं वो कौन कौन से हैं? साइटोसिन, यूरेसिल, एडिनिन और ग्वानिन। और डीएनए में जो चार प्रकार के क्षारक मिलते हैं वो कौन से हैं? साइटोसिन, थाइमिन,
एडिनिन और ग्वानिन। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि प्यूरीन चाहे आरएनए हो या डीएनए, दोनों में बिल्कुल इक्वल है। लेकिन पायरिमिडीन की बात करें तो साइटोसिन तो डीएनए और आरएनए में कॉमन मिलता है, लेकिन आरएनए के अंदर यूरेसिल मिलता है और डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन क्षारक मिलता है। हम इनकी संरचनाओं को और देख लेते हैं। यूरेसिल की संरचना इस प्रकार की है कि ये यूरेसिल है, और ये यूरेसिल है, और जो थाइमीन होता है, थाइमीन और यूरेसिल में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक मेथिल ग्रुप के। ये थायमीन है, थायमीन में यहाँ पर एक CH3 या मेथिल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा होता है, ये थायमीन है। अब हम देखते हैं साइटोसिन को। साइटोसिन की संरचना में हमें इस प्रकार का मॉलिक्यूल दिखाई देता है। तो हमने इन तीनों की बात कर ली कि यूरेसिल में हम देखेंगे कि NH, यहाँ पे NH ग्रुप, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल लगभग समान संरचना हमें थाइमिन की दिखाई दे रही है। तो यूरेसिल और थाइमिन की संरचना लगभग एक जैसी है। अंतर कहाँ आया? अंतर आया कि यहाँ इस कार्बन पर CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है थाइमिन में। साइटोसिन की संरचना में हम देख रहे हैं कि NHN और NH2 और यहाँ पर इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ये थाइमिन की संरचना हो गई। अब हम प्यूरीन्स को देखते हैं। प्यूरीन्स दो प्रकार के हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। यहाँ पे ये जो रिंग है, इस रिंग को हम बोलते हैं पायरामिडीन वलय। क्या बोलते हैं? पायरामिडीन वलय। जब केवल एक ही वलय पाई जा रही है, इसे हम बोल रहे हैं पायरामिडीन वलय। पायरामिडीन वलय का मतलब हुआ एक एरोमेटिक संरचना जिसमें यहाँ NH जुड़ा हुआ है, उसे हम पायरामिडीन वलय बोलते हैं। यूरेसिल की संरचना में एक पायरामिडीन वलय होती है, उसके साथ में एक इमेडाजोल वलय भी पाई जाती है। तो हम एडिनिन की संरचना को देख लेते हैं। जो एडिनिन की संरचना है वो किस प्रकार की हमें दिखाई देती है? ये है पायरामिडीन वलय और ये होती है इमेडाजोल वलय। ये एडिनिन है और ग्वानिन में बिल्कुल सेम सी संरचना हमें देखने को मिलेगी। अंतर कहाँ पर आएगा? जब हम दोनों डायग्राम का कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा।
देख रहे हैं कि ग्वानीन में जो समूह लगा हुआ है वो कीटो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एडिनिन में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार एडिनिन और ग्वानिन की संरचना में अंतर होता है। अब हम देखते हैं पेंटोज शुगर। पांच कार्बन वाली जो शर्करा है वो भी दो प्रकार की है, एक राइबोज है और दूसरी डी ऑक्सी राइबोज है। यानी राइबोज शर्करा में से ही किसी ऑक्सीजन की कमी हो जाने से डी ऑक्सी राइबोज शर्करा बन गई। राइबोज एक पांच कार्बन वाली शर्करा है, तो वो पांच कार्बन वाली शर्करा इस प्रकार की संरचना रखती है। ये राइबोज है। डीऑक्सी राइबोज में हम देखेंगे कि ये इसका पहला कार्बन, ये इसका दूसरा कार्बन है। इसके दूसरे कार्बन पर ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि ये O हट जाए तो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज। तो संरचना लगभग समान ही रहेगी, बस अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन हट गया, बाकी संरचना बिल्कुल सेम है। ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शर्करा RNA में देखने को मिलेगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा DNA में देखने को मिलेगी। यदि नाइट्रोजन बेस, पांच कार्बन युक्त शुगर और फॉस्फेट ये आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है इसे। लेकिन नाइट्रोजन बेस और शुगर केवल ये दो मिलते हैं, तब उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। इस प्रकार कोई एक न्यूक्लियोटाइड बना, उसके संपर्क में दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया और वो कहीं आपस में अटैच हो जाते हैं, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस प्रकार कंटिन्यूटी में जुड़ते चले जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन। यानी एक श्रृंखला का निर्माण हुआ जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है, बहुत सारे हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन। बाकी की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसके जो हम संरचनाएं समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए समझ रहे हैं ताकि डीएनए को समझने में और किस प्रकार डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ पाता है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये बेसिक जानकारी है जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो बाकी की डिटेल के बारे में होगा, आप लोग कंटिन्यू देखेंगे तो इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमने बात की न्यूक्लियोटाइड तीनों से मिलकर बना है, और न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन जो पांच कार्बन वाली शुगर है वो दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो यदि इन दोनों को न्यूक्लियोसाइड कह दिया जाए तो इस न्यूक्लियोसाइड से यदि फॉस्फेट जुड़ता है तो हम क्या कहेंगे उसे? न्यूक्लियोटाइड। तो हम न्यूक्लियोटाइड का जो वर्णन है वो इस प्रकार कर सकते हैं कि नाइट्रोजन क्षार प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो
बाकी की डिटेल के लिए हम जल्दी जारी करेंगे। थैंक यू।